हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट थ्री फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस क्लास नाइन्थ ए एंट्रेंस तो ए एंट्रेंस के पर्पस के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये पार्ट थ्री है लेट्स डू इट ठीक है क्यों अब सबसे पहला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके एरिया से हो सकते हैं टी से हो सकते हैं सी से हो सकते हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैंने डाल दिया है मोस्ट एक्सपेक्टेडली ये वाले भी पूछे जा सकते हैं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोग ये मत सोचिएगा कि यही पूछे जाएंगे बट हाँ इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस गेन होगा क्यूबॉइड लेटरल सर्फेस एरिया टीएसए एंड वॉल्यूम ये सारे हमने लिख रखे हैं ठीक है क्यूबॉइड का हो गया क्यूब का हो गया सिलेंडर का हो गया कोन का हो गया स्पेयर का हो गया हैमे का हो गया तो इसका स्क्रीन शॉट ले रख लो एंड इसको प्रपेयर जरूर करके जाना सो so, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है आइडेंटिटीज़ दे रखी हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली पूछी जा सकती हैं ये सारी आइडेंटिटीज़ हैं आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिए और इसका स्क्रीन ले लीजिए तो आपसे आपका नेम पूछा जा सकता है तो आप लोग नेम बताएंगे डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इंट्रोडक्शन तो आप लोग इंट्रो देंगे उसके बाद एक क्वेश्चन एक ऐसी वीडियो आएगी पार्ट वन से लेके पार्ट नाइन तक आपके क्वेश्चनस ही आएंगे ठीक है पार्ट वन से लेके पार्ट नाइन तक क्वेश्चनस होंगे ये पार्ट थ्री चल रहा है आगे वाली जो वीडियोज़ आएंगी उनमें से कोई एक ऐसी वीडियो होगी जिसमें ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन मैं बताऊँगी इस इन्हीं ही पार्ट्स में से कोई एक वो वीडियो होगी मतलब आने वाली वीडियोस में से कोई भी ऐसी वीडियो हो सकती है जो ऑलरेडी पूछे गए हैं ए में क्वेश्चंस इंटरव्यू में तो वो मैंने कलेक्ट किए हैं कहीं से तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग सारे पार्ट्स देखिएगा ठीक है और पार्ट टेन में पार्ट टेन में मोस्ट प्रोबेबली हम क्या देंगे टिप्स देंगे कि इंटरव्यू के लिए किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन को किस तरीके से प्रैक्टिस करना है ये तो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं इनको बस याद करके रखो उसके बाद जब आपका ये टिप्स आएंगी पार्ट नंबर टेन में उसमें आप लोगों को देखना है किस तरीके से प्रिपेयर करना है फिर इनको रिपीटेड दोबारा से इन वीडियोज़ को देखना है पार्ट वन से नाइन तक सो दैट आप लोग सारे क्वेश्चन को गो थ्रू दोबारा से कर सको दैट इज़ वाई मैंने ये पार्ट टेन में डाला है ठीक है नाउ हम लोग वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं तो उसके बाद आपसे पूछ तो आप पूछा जा सकता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट तो आप कुछ भी सब्जेक्ट्स में बता दोगे एम पूछा जा सकता है प्लान बी क्या है आपका लाइट क्या होता है रिफ्लेक्शन क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या है चेंजेज इन बॉयज़ क्या है ड्यूरिंग प्यूबर्टी एजुकेशन मिनिस्टर पूछा जा सकता है आप ए एम यू क्यों लेना चाहते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पार्ट सेकेंड में बता रखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टिप्स दे रखी हैं कि आप कैसे इन ये आंसर करोगे तो ये सारे मैंने क्या कर रखे हैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है ये पॉइंट्स ठीक है फैमिली मेम्बर्स कितने हैं क्या लड़ाई होती है कुछ भी पूछ सकते हैं वो आप लोगों से उनका उस वक्त जो क्वेश्चन उनके दिमाग में आएगा वो वो लोग पूछेंगे यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और इसको आपको प्रैक्टिस करनी है इसके रट के नहीं जाना है बस इसको प्रैक्टिस करनी है सो so दैट आप वेल well आंसर कर पाओ ठीक है उसके बाद हाडी रामानुजन नंबर्स पूछे जा सकते हैं उसके बाद ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स पूछा जा सकता है चैप्टर्स ऑफ एनी सब्जेक्ट नंबर भी पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर तो सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर करके जाओगे तो आराम से हो जाएगा ठीक है कल्चर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है करा सकते हैं किसी भी अर्थ में कितना एनिमल जिसके दो चैम्बर्स प्रेसिडेंट कौन है अभी पूरा नेम बताना है उनका और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कोविड नाइन्टीन उस वक्त जो है हमारा उस वक्त चल ही रहा था आई थिंक चल नहीं रहा था मतलब वो ओवर हो चुका था बस उसके कुछ मतलब वो एक ऐसा ना न्यूज होती है तो वो ऐसी न्यूज थी कि रिसेंटली होके चुकी थी तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता था हमसे ठीक है तो आप लोगों से भी हो सकता है पूछ लिया जाए ये जरूर पूछा जा सकता है ए एम पी ए टी पी की फुल फॉर्म एड एन अन एंड मोनोफोस्फेट ठीक है इस शीट्स में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेडली पंद्रह से बीस क्वेश्चन एक पेज पे मिलेंगे मतलब मिनिमम आपको टेन क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तो आपको पेजेस अराउंड दिखाई जाते हैं तो प्लस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे फोर पेजेस दिखाए जाएंगे तो फोर्टी प्लस आप लोगों को दिख रहे होंगे ठीक है तो इस तरीके से पार्ट नाइन तक हम ये डालने वाले हैं पार्ट वन से लेके पार्ट नाइन तक हम ये वीडियो डालने वाले हैं और फाइव क्वेश्चन पेजेस हर उसमें होंगे ठीक है तो टोटल वीडियोस में हम आपको अराउंड फाइव हंड्रेड क्वेश्चन करा चुके होंगे पार्ट वन से पार्ट नाइन तक क्योंकि पार्ट वन से पहले एक ऑलरेडी वीडियो डाली है जिसमें मैंने अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस दिखाए हैं पार्ट टेन में हम आपको टिप्स देने वाले हैं तो फाइव हंड्रेड प्लस क्वेश्चंस अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो कॉन्फिडेंस गेन नहीं होगा बताओ कमेंट्स में क्यों नहीं होगा होगा बिल्कुल होगा ठीक है उसके बाद ए डी पी की पूछा जा सकता है उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पूछा जा सकता है एसिड रेन क्या है औरगैनिज्म जो इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी फर्टिलिटी उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है किसके थ्रू होता है एक्सप्रेट्री सिस्टम पूछा जा सकता है ऑर्गान पूछा जा सकते हैं प्रेसिडेंट रिसेंटली पूछे जा सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है पॉल्यूशन क्या होता है पॉलिटेंट क्या होता है वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल वॉल पूछा जा सकता है वाइस चांसलर जो कि अब चेंज हो चुके हैं तो ये वाले तो रिसेंटली नहीं है ठीक है नाइमा खातून है उसके बाद डिफाइन केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जा सकता है हिंदी क्या है ऐसी लैंग्वेज इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये पूरा आप लोग खुद से अच्छे से निकालिएगा और उसको तैयार की ओके okay, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है एनर्जी सेंटर ऑफ ये सारी चीज़ें ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं ठीक है उसके बाद अंडर विच कंडीशन ए एम पी और ए डी पी फॉर्म होते हैं रॉन्स फार्मूला पूछा जा सकता है और इसमें एस क्या है एस इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन का टू ठीक है उसके बाद आपसे हिरॉन्स फार्मूला फॉर इक्टेड कुछ नहीं है ये ये हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी ये हो जाएगा और ये बन जाएगा ये ठीक है उसके बाद आप से आइडेंटिटीज़ हमने लिख दी हैं तो वाई यू वांट टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बनना है हाउ एंड वाई हार्ट अटैक अकर्स डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड लीविंग इन दोनों में डिफरेंस तो एक जैसे प्रोनांसिएशन वाले वर्ड्स का मीनिंग पूछा जा सकता है डिफरेंस पूछा जा सकता है मूगल्स कब आए थे फिफ्टीन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स में आए थे तो उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है इन कुछ मुगल एम्पायर्स के नेम बताओ फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर कौन था व्हेन ब्रिटिश केम टू इंडिया कब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे लास्ट वाइस रॉय कौन थे हारमोन्स क्या होते हैं नहीं एनी थ्री ग्लैंड तीन ग्लैंडस के नेम बताओ हारमोन्स सीक्रेटेड बाई पेनक्रियाज वर्क ऑफ इंसुलिन इंसुलिन डज नॉट सीक्रेट दैन वॉट शुड हैपन वॉट विल हैपन प्रिकॉशंस शुड बी टेकन बाई पेशेंट ऑफ डायबिटीज़ कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नैचुरल नंबर होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस क्या होता है तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके मैं दिखा देती हूँ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ये हो गया उसके बाद यहाँ से ये ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं स्क्रीन शॉट लेते जाना स्क्रीन शॉट्स लेते जाना सो so दैट आप दोबारा से इसको प्रिपेयर कर लो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कमेंट्स करके बताना किस तरीके की वीडियोस और आप लोगों को चाहिए एएमयू का एक्सपीरियंस वीडियो मैंने डाल रखा है वो भी आप लोग देख सकते हो अभी मैं क्लास टेंथ का रिज़ल्ट का वेट कर रही हूँ जो कि एएमयू के थ्रू आने वाला है ठीक है तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा वो वीडियो भी आई थिंक मैं डालूँगी कितनी मेरी टेंथ की परसेंटेज रही ठीक है ये पूरे क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप लोग स्क्रीन ले लीजिएगा सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक ज़रूर करके जाना वीडियोज़ को सो तो दैट मैं समझ सकूँ कितने वीडियो कितने लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगे टिल देन टेक केयर बाय